ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने ये एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप निकालने के लिए एक पूरी टेबल बना ली। अब हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे, तो समझिए प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसे होगी। प्रोजेक्ट क्रैशिंग में एक हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, इसमें एक तो हमारा आ जाता है पाथ, जो हमारे पाथ हैं, और दूसरा आ जाता है इनका ड्यूरेशन। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पाथ हैं जरा हम पुराने ऊपर वाले से देख के बताएं। हमारे पाथ थे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। डेसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 7। दूसरा पाथ क्या था? 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। और तीसरा पाथ था हमारा 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इसकी ड्यूरेशन थी मेरी कितनी? 22 दिन की। इसकी ड्यूरेशन थी मेरी 21 दिन की, और इसकी ड्यूरेशन थी मेरी 16 दिन की। अभी मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही थी वो मैंने, आप देखें, 4700 हमने यहां निकाली थी। ये डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है 4700। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो थी मेरी वो डे बेसिस पे लगेगी, तो बुक में दिया हुआ है इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए लिखा है इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज 100 रुपीज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरा कितना आया था? 22 डेज। ये देखिए 22 डेज निकाला था हमने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी? 22 × 100 तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो निकल आएगी 6900। ठीक है, ये है। अब हमें क्रैशिंग करनी है, तो क्रैशिंग हम कितने दिन से करेंगे और कौन से पाथ पे करेंगे? सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ है तो हम क्रिटिकल पाथ पे ही करेंगे। अब कितने दिन से करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्रिटिकल है 21, तो हम पहले इसको, इस क्रिटिकल पाथ को 1 दिन से कम करेंगे, जिससे कि क्या, ये नॉन क्रिटिकल के बराबर आ जाए। तो क्रैशिंग बंद हो गई, क्रैश करेंगे क्रिटिकल पाथ बाय 1 डे, सो दैट इट बिकेम इक्वल टू नेक्स्ट क्रिटिकल। ठीक है, चलिए अब यह पता चल गया मुझे कि 1 दिन से कम करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किस एक्टिविटी को कम करना है, किस एक्टिविटी को कम करना है। तो हम उस एक्टिविटी को कम करेंगे
विच हैज लीस्ट कॉस्ट स्लोप। तो हम क्या करें, लीस्ट कॉस्ट स्लोप के लिए फिर हमें अपनी जो पुराना टेबल बनाई थी उसमें देखेंगे। तो हमारे जो पाथ थे, पहले पाथ में हमारी एक से दो एक्टिविटी है, इसके 200 हैं। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी है दो से चार, इसमें 500 रुपये हैं। फिर तीसरी एक्टिविटी है छः से सात, चार से छः, इसमें 550 है। और चौथी एक्टिविटी है 350। तो हमें यहाँ से पता चला कि हम 200 रुपये वाली एक्टिविटी, हमारी ये एक्टिविटी लीस्ट कॉस्ट स्लोप की है। तो क्या हर बार हम ये टेबल पे आए, तो इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम इसमें हर एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक से दो का कॉस्ट स्लोप कितना था हमारा, ये 200 रुपये। दो से चार का कॉस्ट स्लोप कितना है, 500। चार से छः का 550 और छः से सात का 350। तो ये सभी पर हम कॉस्ट स्लोप लिख लेंगे और इससे हमें आसानी रहेगी। अब दो से पांच का कॉस्ट स्लोप कितना था मेरा, 100। और पांच से छह का देख लें जरा एक बार, पांच से छह का कॉस्ट स्लोप था मेरा 300। ऐसे ही एक से तीन का कॉस्ट स्लोप आया था मेरा 700। और तीन से चार का जो मेरा कॉस्ट स्लोप था वो कितना था, ये 550। तो अभी मैंने कॉस्ट स्लोप देख लिए, इससे अब मुझे क्या है, उसमें जाने की मुझे जरूरत नहीं, मैं यहीं से देख सकता हूं ये 200 रुपये लग रहे हैं, इसमें 500, इसमें 550, इसमें 350। तो हमारे लिए आसान कौन सा है, ये 200 रुपये हमारे लिए आसान है। अगर हम इसके साथ इसमें ये भी लिख लें कि हमारे कितने दिन क्रैश कर सकते हैं, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक से दो एक्टिविटीज में, एक से दो एक्टिविटी का ये ड्यूरेशन जो है ये भी हम लिख लेते हैं, इससे हमें और आसानी हो जाएगी। तो एक से दो एक्टिविटीज में मैं दो दिन कम कर सकता हूं, दो से पांच एक्टिविटी में दो से चार मैं दो दिन कम कर सकता हूं, चार से छह एक्टिविटी में मैं चार दिन कम कर सकता हूं, और छह से सात का मैं एक दिन कम कर सकता हूं, एक से तीन का दो दिन, तीन से चार का दो दिन, चार से छह का चार दिन, और छह से सात का एक दिन, एक से दो का दो दिन, दो से पांच का दो दिन, पांच से छह का दो दिन, और छह से सात का एक दिन। अब मुझे इससे आसानी हो गई है, अब मुझे पता है कि ये 200 रुपये मेरी जो खर्चा है, और मैं दो दिन का मेरे पास इसमें गुंजाइश है, दो दिन मैं कम कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा डिसीजन जो था कि मुझे किसको क्रैश करना है, दैट इज एक से दो एक्टिविटी को हमें क्रैश करना है। सो क्रैश करेंगे हम एक से दो एक्टिविटीज वाई वन डे, एक दिन से हम इसको क्रैश करेंगे। क्रैशिंग की कॉस्ट कितनी होगी मेरी, ₹200 की कॉस्ट होगी मेरी। तो ये मैंने क्रैशिंग फर्स्ट की, इसको मैंने एक दिन से कम कर दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं। पार्ट थर्ड में देखिए, ये हमारा एक से दो इसमें कॉमन है, तो इसका भी एक दिन कम हो जाएगा,
अब 200 रुपये मेरी क्रैशिंग कॉस्ट है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट मेरी 200 रुपये से बढ़ जाएगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरी एक दिन से कम हो जाएगी, यानी कि तो मेरा नेट जो इंक्रीज होगा वो 100 रुपए से इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मैं क्रैशिंग टू पे जाता हूं। क्रैशिंग टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैशिंग है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब मैं पहली क्रॉसिंग कर चुका तो मेरे पास दोनों पाथ आ गए, और दोनों पाथ का जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है सेम है, यानी कि मुझे दोनों पाथ को अब एक साथ क्रैश करना है, और एक साथ क्रैश करने के लिए फिर मैं ये देखूंगा कि इन पाथों में मेरी कॉमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। तो कॉमन एक्टिविटीज आप देखेंगे, आपको मिलेंगी ये आपकी इन दोनों पाथों में कॉमन एक्टिविटीज हैं। तो कॉमन एक्टिविटीज में बेनिफिट क्या होता है? कॉमन एक्टिविटीज में बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें कोई भी एक एक्टिविटी कम कर दूं तो मेरे दोनों पाथ कम हो जाएंगे। जैसे पहले देखो मैंने 102 कम किया था, तो यहां पर भी पाथ में कमी आ गई थी मेरी। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। एक तो हम देखेंगे कि कॉमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, और दूसरा हम बनाएंगे नॉन कॉमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। तो कॉमन एक्टिविटीज जो है वो है हमारी 4 से 6 एंड 6 से 7। ठीक है, अब नॉन कॉमन एक्टिविटीज की बात करें तो जो पाथ वन है, इस पाथ वन की जो नॉन कॉमन एक्टिविटीज हैं वो है 1 से 2 और 2 से 4। और पाथ टू की जो नॉन कॉमन एक्टिविटीज हैं वो देखा कौन कौन सी है? 1 से 3 और 3 से 4। अब इनका जरा मैं कॉस्ट स्लोप लिख लूं। इसका कॉस्ट स्लोप है 550 और इसका कॉस्ट स्लोप है 350। कॉस्ट स्लोप का मतलब है एक दिन कम करने का। इसका कॉस्ट स्लोप है 200 और इसका कॉस्ट स्लोप है कितना? जरा एक बार देख लो, इसका कॉस्ट स्लोप है 500 रुपये। ऐसे ही 1 से 3 का कॉस्ट स्लोप है 700 और इसका कॉस्ट स्लोप है 550। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर मैं कॉमन एक्टिविटीज कम करता हूं तो कॉमन का जो लीस्ट है वो 6 से 7 है और 350 रुपये, और अगर मैं इसमें कम करता हूं तो इसका जो लीस्ट है वो है 1 से 2, 200 रुपये, और इसका जो लीस्ट है वो है 3 से 4, 550 रुपये। तो अगर मैं नॉन कॉमन से कम करता हूं तो जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 750 रुपये।
और इसमें जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 350 आ रही है। तो क्या है, आपको पता चल गया कि किसको कम करें? अगर मैं नॉन कॉमन से कम करता हूं तो मुझे 750 रुपये कम कर खर्च करने पड़ रहे हैं एक दिन के लिए, और अगर मैं कॉमन से करता हूं तो मुझे 350 रुपये ही में खर्च हो रहा है। तो डिसीजन क्या हुआ? क्रैश करेंगे हम 6 से 7। अब अगला क्वेश्चन, कितने दिन से? तो देखिए, 6 से 7 जो एक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन क्रैश हो सकती है। ये नीचे मैंने रेड कलर से लिखा है, 1 डे। तो हम क्रैश करेंगे 6 से 7 बाय 1 डे। इसको फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। जब हमारे दोनों पाथ बराबर आ जाते हैं, यानी कि जब हम दो पाथों को एक साथ क्रैश करते हैं, तो हम उसमें से देखते हैं कि हमारी कॉमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और नॉन कॉमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। कॉमन एक्टिविटीज़ का बेनिफिट ये होता है कि कॉमन एक्टिविटीज़ में अगर हमने एक कोई भी कॉमन एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, क्रैश कर देते हैं, तो हमारे दोनों पाथ रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि नॉन कॉमन एक्टिविटीज़ में हमको अलग अलग रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि हमारे कॉमन एक्टिविटीज़ ये आ रही थी 4 से 6 एंड 6 से 7। 4 से 6 और 6 से 7 में हमने देखा लीस्ट हमारी 6 से 7 एक्टिविटी थी, जो 350 रुपये में हम इसको एक दिन कम कर सकते हैं। अगर मैं नॉन कॉमन एक्टिविटीज़ की बात करूं, तो पाथ 1 और पाथ 2 को हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्रैश करना पड़ेगा। तो मैंने इनकी एक्टिविटीज़ लिखी और इसमें से जो लीस्ट एक्टिविटीज़ थी, लीस्ट कॉस्ट वाली एक्टिविटीज़ थी, उनको कंसीडर कर लिया। तो अगर मैं नॉन कॉमन एक्टिविटीज से कम करता हूं तो मुझे 1 से 2 और 3 से 4 दोनों को क्रैश करना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा आएगा 750 रुपये। तो हमारे लिए बेटर क्या था कि एक ही दिन कम करने का जो हमारा खर्चा था वो 350 रुपये कॉमन एक्टिविटीज में कम है, तो हम 6 से 7 को क्रैश कर देंगे एक दिन से, और जो मेरी क्रैशिंग कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 350 रुपये। ठीक है, तो अब जो हमारी टेबल है उसमें हम अपडेट कर देंगे। सेकंड क्रैशिंग कर दी मैंने, और सेकंड क्रैशिंग करने से एक दिन से कम करेंगे तो ये तीनों में कॉमन है 6 से 7, तो तीनों में कॉमन है तो तीनों के एक एक दिन कम हो जाएंगे। अब इसमें डायरेक्ट कॉस्ट में मेरा 350 रुपये बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मेरी जो रिवाइज डायरेक्ट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट 7250। चलिए अब हम क्रैशिंग 3 करेंगे। क्रैशिंग 2 जो थी वो हमारी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ये क्लियर होगी तो क्रैशिंग 3 बिल्कुल इसी की तरह से हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्रैशिंग 3 करेंगे हम लोग। इसको भी करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन कोई एक्टिविटीज हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई एक्टिविटी पूरी तरह क्रैश हो जाए तो उसे आप काट दें, तो उससे क्या होगा, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी अगर हम देख रहे थे ना, जैसे तो हमें दिख रहा था कि ये भी कॉमन है, जबकि वो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, अब उसमें फर्दर क्रैशिंग नहीं हो सकती, इसलिए काट देंगे। तो अब हम दोनों पाथों में ढूंढेंगे, तो हमारे पास कॉमन एक्टिविटीज दोनों पाथों में एक 4 से 6 ही है, तो फिर से हम बनाएंगे। फिर से हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव क्रैश कॉस्ट, वर्ड यूज करें ज्यादा अच्छा है। कॉमन नॉन कॉमन,
कॉमन एक्टिविटी हमारी सिर्फ एक चार से छः ही है, जिसका कॉस्ट स्लोप आ रहा है 550। नॉन कॉमन एक्टिविटीज अलग अलग पाथ पर देखेंगे, इसमें एक से दो और दो से चार है, इसमें एक से तीन और तीन से चार है। इसका कॉस्ट स्लोप है 200 रुपये, इसका कॉस्ट स्लोप है 500 रुपये, इसका कॉस्ट स्लोप है 700 रुपये और इसका कॉस्ट स्लोप है 550। इसमें से देखेंगे, इसमें लीस्ट है एक से दो, जिसका कॉस्ट स्लोप है 200 रुपये और इसमें लीस्ट है तीन से चार, इसका कॉस्ट स्लोप है 550 रुपये। तो अगर मैं कॉमन से कम करता हूँ तो मेरा खर्चा आता है 550 रुपये और नॉन कॉमन से कम करता हूँ तो मेरा खर्चा आता है 750 रुपये। सो क्रैश करेंगे हम चार से छः एक्टिविटीज बाय, अब कितने दिन से क्रैश करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम अपनी टेबल पर आ जाएंगे और देखेंगे चार से छः में हमारे पास कितने दिन हैं। चार से छः में हमारे पास चार दिन से हम क्रैश कर सकते हैं, तो हम चार दिन से क्रैश करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फोर डेज। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आएगी, क्रैशिंग कॉस्ट आएगी 550 रुपये एक दिन का खर्चा है, चार दिन का खर्चा आएगा आपका 2200 रुपये। ठीक है, क्रैशिंग थ्री को हम टेबल पर अपडेट कर देंगे। अब चार दिन से कम करेंगे तो ये 16 दिन हो जाएगा, ये 16 दिन हो जाएगा और ये 14 दिन ही रहेगा। जैसे ही कोई एक्टिविटी पूरी तरह क्रैश हो जाएगी, हम इसको अपनी कैलकुलेशन से हटा देंगे। इससे पहले हमने एक से दो एक्टिविटी को एक दिन से कम किया था, तो ये -1 इसमें कर दीजिए, इससे याद रहेगा कि इसमें एक दिन कम हो चुका है। ठीक है, चलिए अब कॉस्ट की बात करें। तो इसमें हमारी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, इसमें 2200 रुपये हमारे प्लस हो जाएंगे, और इसमें 400 रुपये हमारे कम हो जाएंगे, तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 9050। अब हम क्रैशिंग फोर देखेंगे। ये मैंने पहले ही शुरू में क्वेश्चन में बता दिया था, ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से लिया है जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा है, आप करते जाएं, कॉन्सेप्ट समझें। चलिए, क्रैशिंग फोर की बात करेंगे। अब क्रैशिंग फोर जब हम देखेंगे तो हमारे पास कॉमन एक्टिविटीज कोई नहीं बची है। देखिए, पाथ वन और पाथ टू में, तो हमारे पास पाथ वन में एक से दो है और दो से चार है, और पाथ टू में एक से तीन है, तीन से चार है। इसका कॉस्ट स्लोप है 200, इसका कॉस्ट स्लोप है 500, इसका कॉस्ट स्लोप है 750 और इसका कॉस्ट स्लोप है 550। तो इन दोनों का लीस्ट है एक से दो और जिसका कॉस्ट स्लोप है 200 रुपये, इन दोनों का लीस्ट है तीन से चार और इसका कॉस्ट स्लोप है 550। तो दोनों का कॉस्ट आया मेरा 750। तो अब एक दिन की कॉस्ट है, तो हम देखेंगे, क्रैशिंग करेंगे, क्रैश 1 से 2 एंड 3 से 4 वाई, कितने दिन से क्रैश करें। फिर से हम अपनी टेबल पर आए, देखिए 1 से 2 में हम ऑलरेडी एक दिन क्रैश कर चुके हैं, तो 1 से 2 में हमारे पास सिर्फ एक दिन बचता है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि 1 से 2 को एक दिन से कम कर देंगे और 3 से 4 को 4 दिन से कम करें या 2 दिन से कम करें, क्रैशिंग बराबर से चलेगी। तो वाई वन डे क्रैशिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरी, चलिए टेबल में अपडेट कर देंगे। एक दिन से कम करेंगे हम 1 से 2, तो ये 15, ये 15
और इसको भी 13। तो जैसे ही हम एक से दो को एक दिन से कम करेंगे, इसका पूरा दोनों दिन खत्म हो जाएंगे, ये पूरी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। और इसमें हमने तीन से चार को एक दिन से कम किया था, तो यहां पर हम एक दिन कम दिखा देंगे इसमें -1। तीन से चार में हमने -1 करके दिखा दिया कि अभी हम एक दिन इसमें क्रैश कर चुके हैं और एक दिन अभी और रह गया। चलिए अगली क्रैशिंग करेंगे हम लोग, क्रैशिंग 5। अब देखेंगे पाथ वन में मेरे पास सिर्फ जो बचा है पाथ वन में मेरे पास जो बचा है वो बचा है 2 से 4 एक्टिविटी जो क्रैश मुझे करनी है, और पाथ टू में मेरे पास 1 से 3 है और 3 से 4 है। इसका कॉस्ट लो 500 रुपये है, इसका कॉस्ट लो 700 और इसका कॉस्ट लो 550। तो इसमें से हम देखेंगे लीस्ट है 3 से 4 550, और इसमें तो हमें 2 से 4 करने ही पड़ेगा 500 रुपये से। तो मेरा खर्चा कितना आएगा, 1050। सो क्रैश करेंगे हम 2 से 4 एंड 3 से 4 बाय कितने दिन से कम करेंगे। फिर से क्वेश्चन है, 2 से 4 में हम 2 दिन कम कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 में हमारे पास एक ही दिन बचा है, क्योंकि एक दिन अभी इससे पहले वाली क्रैशिंग में हम कम कर चुके हैं। तो हम यहां लिखेंगे क्रैश करेंगे दोनों को एक दिन से। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरी, एक दिन की मैंने निकाली थी 1050 आ रही है। चलिए तो अब 2 से 4 को मैं कम करूंगा एक दिन से, तो ये मेरे 14 हो जाएंगे, और यहां पर मैंने एक दिन से कम कर दिया। 3 से 4 को मैं एक दिन से कम करूंगा, तो यहां जैसे ही मैंने एक दिन कम किया, ये मेरी 3 से 4 की एक्टिविटी पूरी खत्म हो गई और इसमें कोई चेंज नहीं आया। सॉरी, इससे पहले वाली क्रैशिंग का मैंने अपडेट नहीं किया था, इसमें 750 रुपये प्लस हो जाएंगे, इसमें 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट 9,700। ऐसे ही इसमें 1,050 प्लस हो जाएंगे, इसमें 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये कॉस्ट आ जाएगी मेरी 10,650। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की क्रैशिंग देखेंगे, क्रैशिंग नंबर 6। देखिए पाथ वन में मेरे पास एक ही एक्टिविटी बची है 2 से 4, और जिसमें मेरा क्रैशिंग करने का खर्चा है 500 रुपये। पाथ टू में मेरी जो एक्टिविटी बची है वो है 1 से 3, और इसमें क्रैशिंग करने का खर्चा है मेरा 700 रुपये, और कोई एक्टिविटी बची ही नहीं है। तो टोटल मेरा 1,200 रुपये का खर्चा है। क्रैश करेंगे हम 2 से 4 एंड 1 से 3 कितने दिन से। फिर से हम अपनी मेन टेबल पर आ जाएं। देखिए 2 से 4 में मैंने एक दिन ऑलरेडी कम कर दिया है, तो मेरे पास अब एक ही दिन बचा है, तो मैं एक दिन से कम करूंगा। क्रैशिंग कॉस्ट है मेरी टोटल
1200 रुपये, ठीक है। तो प्रोडक्ट जैसे ही मैं इसमें एक दिन कम करूंगा, ये मेरी एक्टिविटी पूरी खत्म हो जाएगी, और इसमें मैं एक दिन से कम करूंगा, 1 से 3 में, ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग ये ना सोचें कि जब तक तीनों प्रोजेक्ट एक से बराबर आ जाएं तब तक हम करते रहेंगे, नहीं, ये इस क्वेश्चन में बराबर आ जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि जब तक क्रिटिकल पाथ की सारी एक्टिविटी क्रैश ना हो जाए तब तक हमें करते रहना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे क्रिटिकल पाथ की, अब देखिए सारी एक्टिविटीज क्रैश हो गई हैं क्रिटिकल पाथ पे, देखिए तो यहां पर हमारी क्रैशिंग रुक जाएगी। इसमें 1200 रुपये मेरे प्लस होंगे, 100 रुपये माइनस होंगे, तो मेरी जो कॉस्ट आई वो आई 11750। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मैंने 22 दिन से अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर करके मैं 13 दिन पे ले आया, और अब मेरी 13 दिन में प्रोजेक्ट कम हो जाएगा, और मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो पहले जो 6900 रुपये थी वो अब 11750 हो गई, ठीक है। तो ये क्रैशिंग का क्वेश्चन था, इससे हमने, ये बड़ा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया है, इसमें टोटल हमने 6 क्रॉसिंग करी है, ठीक है। चलिए इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट आपके हैं नेटवर्क अपडेशन के और टाइम स्केल डायग्राम के, तो वो हम करते हैं इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।